करो, मैंने तो कुछ भी नहीं पता इस पार्ट के बारे में। बानी के सेट पर आज हम पहुंचे हैं रज्जी से मिलने। रज्जी इस बात को लेकर परेशान हैं कि बुआ जी एक के बाद एक उन्हें टास्क देती जा रही हैं और वो ज्यादातर टास्क में अभी तक फेल ही रही हैं। आइए सुनते हैं क्या है रज्जी की परेशानी। बुआ जी ने तो मेरे को प्रूफ करने के लिए हर रोज एक नया टास्क होता है मेरे लिए, जैसे कि खाना बनाना, जो मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मैं आटे में इतना पानी डाल के हाथ ऐसे कर रही होती, अल्लाह क्या हो गया। तो ऐसी वाली सिचुएशन है जहाँ मुझे कुछ नहीं आता, चाय बना के देती हूँ, वो करके पूरा वॉमिट कर देती हूँ उसको। और अब मेरे को टास्क मिला है, वो सुखमणि साहब जी का पाठ होता है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें दिन रात जो जोत होती है, दिया जिसे कहते हैं, वो जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। अगर वो बुझ गया तो मतलब आपका वो पाठ पूरा नहीं होता है। तो बस वही है मेरे पास, क्योंकि मैं अब रात रात भर जागने का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो वो दिया जल रहा है और मैं ऐसे बैठ रही हूँ साथ में। तो ये सब टास्क है मेरे लिए, तो क्योंकि मैंने घर पे कुछ भी नहीं किया तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो रज्जी ये बताइए कि आपने डिसाइड क्या किया है। वो मैंने ये डिसाइड किया है कि चाहे मुझे आता है या नहीं आता है, पर मैंने करके दिखाना है, मैंने प्रूव करके दिखाना है कि मैं एक अच्छी बहू और अच्छी बीवी बन सकती हूँ, एंड आई विल डू इट। कई ये मतलब इतने सारे टास्क दे रहे हैं, मुझे लगता है बिग बॉस के घर जैसा ही टास्क आपको मिलते जा रहा है, एक पे एक टास्क मिलते जा रहा है। एक्चुअली बिग बॉस बुआ जी हैं। तो अपनी इस बुआ जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, इतने टास्क कब तक, मतलब कब तक झेलेंगी? एक महीना उन्होंने कहा है कि एक महीने तक मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, और उसके बाद तो तेरा खून वैसे ही खत्म हो जाएगा। टू वॉच मोर सब्सक्राइब टू youtube.com/teletalkindia।